नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर विजय सिन्हा ने कहा, रक्त बेकार नहीं जाएगा। विपक्षी एकता के नेतृत्व को लेकर जदयू ने कही ये बात। राजद ने अपने पोस्टर में पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन। प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने साफ किया रुख। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर विजय सिन्हा ने कहा, रक्त बेकार नहीं जाएगा। बिहार सरकार के विरोध में बीजेपी नेताओं द्वारा पटना में विधानसभा मार्च निकाला गया, जहां एक बीजेपी नेता विजय सिंह के मौत की खबर सामने आई। बीजेपी नेता की मौत को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अभी बीते ही दिनों सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बीजेपी नेता के गांव कल्प पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवार को सहानुभूति दी, साथ ही उनके परिजनों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में पूरे कार्यकर्ता परिवार की तरह होते हैं, पूरी ताकत के साथ हम उन्हें साथ हैं। जो रक्त बहा है वह बेकार नहीं जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। वहीं बेंगलोर में होने वाले विपक्षी एकता की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी बैठक का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्षी एकता के नेतृत्व को लेकर जदयू ने कही ये बात। बेंगलोर में 17 से 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जदयू का बयान सामने आया है। दरअसल जदयू के नेता और नीतीश मंत्रिमंडल में सभी विजय चौधरी द्वारा कहा गया कि जिस तरह 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी, उसी तरह से नेतृत्व कौन करेगा इसका फैसला भी आसानी से हो जाएगा। बीजेपी को छटपटाने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक में जितनी विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थी, उससे अधिक दल बेंगलोर में होने वाली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के एकजुट होने से पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। पटना की बैठक में जितनी पार्टियां थी, उससे अधिक आ रही हैं। विपक्षी एकजुटता की संपन्नता की कहानी यह बता रही है। आगे उन्होंने विपक्षी एकता के नेतृत्व को लेकर कहा कि यदि नेतृत्व की बात है तो इसका फैसला भी आसानी से हो जाएगा। विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर आखिर बीजेपी के लोगों को छटपटाहट क्यों हो रही है। यूसीसी को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से किए सवाल। सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि जब पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम देशों में बहुविवाह, फौरी 3 तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दे पर कानून में सुधार किया जा सकता है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता जब भी लागू होगी, पूरे देश पर लागू होगी, तब बिहार या बंगाल की सरकार अपने राज्यों में इसे लागू करने से रोक नहीं पाएगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर सभी धर्मों के भारतीय नागरिकों के लिए एक विवाह का प्रावधान होता है, सभी के लिए तलाक लेने के कानून समान होते हैं, सभी धर्मों की महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने तथा पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है, और सभी धर्मों के स्त्री पुरुष के लिए विवाह करने की उम्र एक समान निर्धारित की जाती है, ये बातें कुछ नेताओं को अच्छा क्यों नहीं लग रहा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पप्पू यादव ने कहा, ऐसे लोगों को जेल में भेज देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए एक विवादित बयान की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने अपने एक कथा के दौरान हिंदू महिलाओं को लेकर कहा था कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो हम यह समझते हैं कि यह प्लॉट खाली है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव द्वारा कहा गया कि ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, सीधे किल ठोक देनी चाहिए। बता दें कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नीतीश कुमार ने किया आश्वस्त। समान नागरिक संहिता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने यूसीसी का विरोध किया था, साथ ही आग्रह करते हुए कहा था कि वह अपने स्तर से यह प्रयास करे कि देश में भी यह कानून लागू न हो पाए, अल्पसंख्यक समाज के हितों का ध्यान रखा जाए, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस दिशा में प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसे लागू करने को लेकर शुरू से ही उनकी राय स्पष्ट रही है। तेज प्रताप ने कहा, विपक्षी एकता की बैठक पर तिलमिला गई है बीजेपी। विपक्षी एकता की बात करते हुए बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि बिहार को तो हमने कैप्चर कर लिया है, अब बाहर के राज्य को कैप्चर करना है, इसके लिए लोगों को मजबूत होना है, हमें छात्र राजद को बिहार ही नहीं पूरे भारत में स्थापित करना है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही पटना में बैठक हुई थी, बीजेपी के लोग तिलमिला गए हैं। वहीं आगे भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र सरकार गद्दी छोड़ देगी, हम छात्र राजद के लोग मजबूती प्रदान करेंगे और इसको बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, सभी जगहों पर छात्र राजद को मजबूत करने का काम करेंगे। राजद ने अपने पोस्टर में पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन।
बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अब इसी को लेकर बिहार में भी पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाए गए एक पोस्टर में पीएम मोदी को महंगाई मैन बताया गया। इस पोस्टर में बढ़ती सब्जियों की कीमत को भी क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी एक सुपरमैन के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, जहां उन पर तीखा प्रहार करते हुए यह भी लिखा गया है कि एक अकेला देश की गृहिणियों पर भारी साथी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को दिखाते हुए लिखा गया है कि दिल से लालूवादी। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू नीतीश के बने गारंटर। बेंगलोर में होने वाली विपक्षी बैठक को लेकर 26 दलों को आमंत्रण दिया गया है, जहां लालू यादव और नीतीश कुमार के जाने की खबर भी सामने आई है। इसे लेकर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश के गारंटर बने हुए हैं, लेकिन उन दोनों से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है। नीतीश जी अब कहीं की राजनीति के लिए कोई फैक्टर नहीं है। लालू जी थोड़ा असर डालते हैं, लेकिन लालू जी हम लोग लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ लेंगे, आराम से लड़ लेंगे, इसको लेकर कहीं कोई टेंशन नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बेंगलोर में कितना भी लोग एक ही हो ले, उससे बिहार में क्या फर्क पड़ता है। बिहार में ममता दीदी कितना वोट दिलवा देंगी, नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में इस पर 70-30 की लड़ाई होगी। 30% वाले लड़ते रहे जितना जिसको लड़ना है। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने रख दी यह शर्त। एनडीए की बैठक से ठीक पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ी शर्त रख दी है। बता दें कि एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जहां इस बात पर सहमति बनी कि 6-1 के फॉर्मूले पर सहमति बनेगी तभी चिराग की पार्टी एनडीए के साथ जाएगी। बता दें कि 6-1 के फॉर्मूले के अनुसार आगामी चुनाव में चिराग की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 6 सीटें और बाद में 1 राज्यसभा की सीट भी दी जानी चाहिए। वहीं बैठक के बाद रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान द्वारा कहा गया कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा हमारी पार्टी की परंपरागत सीट है। हाजीपुर पार्टी के संस्थापक रामविलास जी की क्षेत्र थी, जिसे पशुपति पारस को दे दिया गया है। हमें हर हाल में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर कही ये बात। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में मांझी और चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी अब आमंत्रित किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशवाहा को पत्र भेजा है। उनसे दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बता दें कि दिल्ली के एक होटल में 18 जुलाई को शाम 5 बजे बैठक होगी, जहां एनडीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से बैठक में आमंत्रण न मिलने के कारण उपेंद्र कुशवाहा को झटका मिला है। हालांकि देर ही सही आमंत्रण मिलने के बाद अब सभी अटकलें खारिज हो गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, पीएम मोदी को मुकाबले दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह के दावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए दिन करते रहते हैं। इन दावों की पोल खोलते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार की स्थिति को आप देख रहे हैं, आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, पंजाब चले जाइए या फिर जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां 100% साक्षरता है। बिहार के बच्चे कोटा में जाकर पढ़ रहे हैं, हम लोगों के बच्चे बेंगलुरु में जाकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरे राज्य के कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो भी बिहार के हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो भी बिहार के हैं, लेकिन कॉलेज खुल रहे हैं कर्नाटक में, जो आपके हमारे और देश के सामने मॉडल है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने साफ किया रुख। केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल सरकार के विरुद्ध जो अध्यादेश लाए गए थे, उसे लेकर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा कहा गया कि पार्टी का रुख साफ है कि वह राज्यपालों के जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी, और उसने संसद में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश पर विधेयक पेश किए जाने पर इसका विरोध करने का फैसला किया है। वहीं पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम संघवाद को खत्म करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का निरंतर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा शासित राज्य को राज्यपालों के जरिए चलाने के केंद्र सरकार के रवैये का निरंतर विरोध कर रहे हैं। हमारा रुख बहुत स्पष्ट है, हम दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण अध्यादेश का समर्थन नहीं करने वाले हैं। टीएमसी विधायक ने अपनी ही पार्टी को लेकर कही ये बात। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी में फूट की खबर सामने आई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक अब्दुल करीम चौधरी द्वारा कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता लगातार हमारी ही पार्टी के एक वर्ग के निशाने पर आ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर यह जारी रहा तो मैं पार्टी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करूंगा और विधानसभा में न किसी चर्चा में भाग लूंगा और न किसी बिल का समर्थन करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि आम जनता में मेरे कई समर्थक हैं और अगर पार्टी का एक गुट लगातार उन पर अत्याचार जारी रखेगा, अगर पार्टी के शीर्ष लोगों के दखल के बगैर मारपीट और आगजनी बेरोक टोक जारी रही तो मुझे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जेडीएस के कुमार स्वामी ने कही ये बात। कभी कांग्रेस के सहारे कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी का बयान सामने आया है। दरअसल इस बार कांग्रेस का कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिली, इस वजह से कांग्रेस ने एचडी कुमार स्वामी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं की। वहीं अब बैंगलोर में होने वाली विपक्षी एकता की दूसरी बैठक को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को विपक्षी दलों ने कभी भी अपना हिस्सा नहीं माना। बता दें कि कुमार स्वामी से जब यह सवाल किया गया कि क्या उनकी पार्टी जेडीएस विपक्षी एकता का हिस्सा होगी, इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही। वहीं वहां इस बात की चर्चा भी सामने आ रही है कि जेडीएस को लेकर कांग्रेस के रूखे व्यवहार के कारण जेडीएस अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल उन्होंने एनडीए की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर आगे ऐसा होता है तो इस पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी ने किसानों के एमएसपी और बीमा की मांग को लेकर कही ये बात। बीते ही दिनों भारत के किसानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि किसान भारत की ताकत है और अगर हम उनकी बात सुने और उनकी बात समझे तो देश की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे उन्होंने किसान अध्यादेश का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के किसान ईमानदार और समझदार है, वे अपनी मेहनत जानते हैं और अपने अधिकार को भी पहचानते हैं। जरूरत पड़ने पर वे काले कानूनों के खिलाफ भी डट कर खड़े होते हैं और एमएसपी व बीमा की अपनी सही मांग भी उठाते हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंकित राज, शिल्पी भारती, अनवर करीम खान, विनय कुमार, दयाशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।